गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीना गार्डन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले मैंने आपको अपना गार्डन का ओवरव्यू दिया था पार्ट वन में, तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए पार्ट टू। तो अपने दूसरे टेरेस के प्लांट्स आपको ओवरव्यू में देना चाहती हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो पहले सबसे पहले फ्रेंड्स, ये है मेरा बनी कैक्टस, जो कि बहुत ही देखिए कितना खूबसूरत हो गया है। ये एक ही प्लांट था फ्रेंड्स, ये इसी में से लेकर मैंने ये एक लगाया था। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये भी बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना खूबसूरत लग रहा है ये, देखिए। और इसका यही मदर प्लांट है फ्रेंड्स। और ये फ्रेंड्स, मैं इसको हाथ ज़्यादा नहीं लगाती क्योंकि मुझे इससे बहुत डर लगता है, इसमें बहुत सारे कांटे होते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए मैं आगे भी आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ से शुरू करते हैं और मेरे गार्डन का ओवरव्यू आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। अगेव की तो कंडीशन बहुत अच्छी है। और ये है मेरे पत्थर चटके प्लांट, जो छोटे छोटे पॉट्स में काफ़ी जगह लगे हुए हैं फ्रेंड्स। और ये मेरे चंपा की यानी गुल क्या कहते हैं इसको, गुलमेरिया की कटिंग है, जो कि बहुत अच्छे से चल रही है। और फ्रेंड्स आगे चलते हैं, इस साइड पे है फ्रेंड्स मेरा ये सुदर्शन का प्लांट, जो मैंने कटिंग से ग्रो किया था, जो कि बहुत अच्छा हो गया है। इधर फाइकस के प्लांट हैं फ्रेंड्स। और अब राजिता पे तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग होती रहती है, देख सकते हैं। और फ्रेंड्स कुछ दिनों से यहाँ पे इतनी गर्मी है फ्रेंड्स, अभी सुबह के 9 बजे हैं और 9 बजे आप यकीन नहीं मानेंगे, 32 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर। इतनी गर्मी है फ्रेंड्स कि क्या कहने, मालूम ही नहीं हो रहा है कि प्लांट्स हम अपने कहाँ रखें कहाँ ना, बहुत गर्मी ज़्यादा है। और फ्रेंड्स इस साइड पे भी मेरे चंपा की कटिंग है। और देख सकते हैं फ्रेंड्स मेरे अंगूर की बेल भी है, जो बहुत अच्छे से चल रही है। और फ्रेंड्स इधर देखिए, मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ, ये कॉक्सकॉम का देखिए, ये सीड्स अपने आप कहीं से गिरा और ग्रो हो गया, देखिए कितने खूबसूरत इसका फ्लावर निकला है। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर मैंने एक इमली का प्लांट भी ग्रो किया हुआ है, उसी में ये फ्रेंड्स पता नहीं कहाँ से आ गया और ग्रो हो गया। और इधर है फ्रेंड्स मेरे स्वीट पोटैटो की वाइन, जो कि बहुत अच्छे से विशी हो गई है। और फ्रेंड्स इधर भी पर्सलिन पॉर्चुला 9 o'clock अभी थोड़ी फ्लावरिंग कर रहे हैं। पर्सलिन तो बहुत अच्छे से चल रहा है फ्रेंड्स, लेकिन देखिए इसका कलर और इसके फ्लावर जो हैं छोटे होने शुरू हो गए हैं फ्रेंड्स। तो ये पर्सलिन तो हमारे यहाँ पर परमानेंट रहता है, लेकिन फ्लावरिंग तो सिर्फ ये समर में ही करता है फ्रेंड्स। तो और ये देखिए 9 o'clock है, जो इसके भी फ्लावर छोटे होने शुरू हो गए हैं फ्रेंड्स। तो अभी मैं इसको कुछ दिन रहने दूँगी, उसके बाद फिर इसको निकाल दूँगी। तो फ्रेंड्स इधर देख सकते हैं पत्थर चटके, तो प्लांट मेरे पास बहुत हैं फ्रेंड्स, जगह जगह निकल आते हैं। और इधर भी मेरा एक इमली का प्लांट है, देखिए फ्रेंड्स। और इधर अमरूद का प्लांट और ये चंपा का, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, चंपा पे तो काफ़ी अरसा हो गया है, कम से कम फ्रेंड्स इसको 2-3 महीने तो हो गए हैं, इस पर बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होती रहती है। और फ्रेंड्स इस साइड पे मेरे कनेर के प्लांट भी बहुत अच्छे से चल रहे हैं, देख सकते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स इस पर भी मेरे एलमंडा की वाइन है, जो ये पिंक कलर के फ्लावर आते ही रहते हैं, आप सबको देखा ही आपने। और देखिए दोबारा से कलियां बननी शुरू हो गई हैं, दोबारा से आ रहे हैं। और ये है फ्रेंड्स मेरा लेडी पाम का प्लांट, जो कि बहुत ही अच्छे से खूबसूरत चल रहा है। और फ्रेंड्स ये है मेरा पिंक वाला कन्हेर, जो कि 3rd time फ्लावरिंग दे रहा है फ्रेंड्स। इसको मैंने 3 बार इससे फ्लावरिंग ले चुकी हूँ, यानी ये 3rd बार है। मैं इसको फ्लावरिंग आने के बाद इसकी प्रून कर देती हूँ, उसके बाद फिर से बड बनते हैं, फिर से फ्लावरिंग आती है, देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे भी चलते हैं। ये सारे मेरे चंपा के प्लांट हैं फ्रेंड्स, ये कुछ कटिंग्स हैं, कटिंग्स का अपडेट भी मैं दूँगी फ्रेंड्स आपको। और फ्रेंड्स देखिए इधर सारे मेरे कन्हेर के प्लांट हैं, येलो कन्हेर है ये। और इधर नाग चंपा फ्लावरिंग कर रहा है, देखिए फ्रेंड्स कितना खूबसूरत लग रहा है। ये भी फ्रेंड्स नाग चंपा और ये चंपा की वैरायटी आप कोई भी लगाते हैं,
तो एक बार फ्लावरिंग शुरू होने के बाद फ्रेंड्स ये काफ़ी अरसा काम कर जाती है, बहुत अच्छे से चलती है। देखिए फ्रेंड्स, ये एक लंबा सा स्टिक इसमें से निकलता है और ये काफ़ी अरसा चल जाता है। इसी में से कलियां बनती रहती हैं, जो पुराने फूल हैं निकलते रहते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, इसमें भी काफ़ी फ्लावरिंग आई हुई है, देख सकते हैं फ्रेंड्स। कुछ मेरे हाइबिस्कस का फ्रेंड्स देखिए, इसमें तो फ्लावरिंग नहीं आई है, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे यहाँ इतनी गर्मी बहुत ज़्यादा, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स पौधे जलने शुरू हो गए हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। और फ्रेंड्स ये है मेरा हाइबिस्कस का प्लांट, जो कि वेरिगेशन वाला है, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और फ्रेंड्स इधर भी मेरा हाइबिस्कस का प्लांट है, येलो कलर के इस पे फ्लावर आते हैं, लेकिन कुछ गर्मी की वजह से ऐसे ही हो गया फ्रेंड्स। और ये ऑरेंज कलर का हाइबिस्कस का प्लांट है, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स। और इस साइड पे देखिए फ्रेंड्स, एक फ्लावर तो ये खिला हुआ है हाइबिस्कस का, देखिए ये पूरी तरह खिला भी नहीं, डबल पेटल का है, देखिए इस पे कलियाँ भी बनी हुई हैं और बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है फ्रेंड्स। ये हाइबिस्कस के प्लांट हैं। ये है मेरा गोल्डन फाइकस, देखिए कितना खूबसूरत हो गया है। और फ्रेंड्स ये कुछ कटिंग्स हैं, तो चलिए फ्रेंड्स आपको ओवरव्यू देती हूँ इस साइड का। इस तरह से कुछ ओवरव्यू आता है फ्रेंड्स इसका। और उस साइड पे है फ्रेंड्स मेरा ये मॉर्निंग ग्लोरी की बेल, जो कि अब थोड़ी फ्लावरिंग तो कम हो गई है, लेकिन हो सकता है चल जाए। तो कुछ इस तरह से आता है फ्रेंड्स इस दीवार का व्यू। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स मेरा एलोवेरा भी बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से ग्रो हो रहा है फ्रेंड्स। देखिए इसकी लीव्स कितने बड़े बड़े लीव्स हैं। और फ्रेंड्स इसमें कुछ गेंदा के सीड डाले थे, वो भी ग्रो हो गए हैं, तो बहुत अच्छी ग्रोथ पे है। और ये है फ्रेंड्स मेरा जो रोज़ प्लांट है, और इधर भी रोज़ प्लांट है फ्रेंड्स, देखिए इस पर फ्लावरिंग बहुत अच्छे से हो रही है। देखिए क्योंकि फ्रेंड्स गर्मी इतनी ज़्यादा है, सारे पौधे भी क्या करें, इतनी गर्मी इनको सहन करनी पड़ रही है। और फ्रेंड्स ये है मेरा ललटाना का प्लांट, जो कि आपको मैंने दिखाया था, ये मैंने सारा प्रूनिंग कर दिया था और इसको मैंने रिपोर्ट किया था, तो देखिए अब दोबारा से कितने अच्छे से फ्लावरिंग दे रहा है। देखिए फ्रेंड्स बहुत अच्छे से, बड़ी जल्दी इसने रिकवरी की है। देखिए फ्रेंड्स बहुत खूबसूरत इस पर फ्लावरिंग आती है, और ये पर्सलिन है फ्रेंड्स, और ये गेंदा के प्लांट हैं। और ये है मेरी वेजिटेबल फ्रेंड्स, ये मैंने जो गोल घिया होती है, गोल कद्दू, कद्दू नहीं बोल सकते फ्रेंड्स, वो जो गोल घिया होती है ग्रीन वाली, उसके मैंने सीड डाले थे इसमें 3-4, तो देखिए कितने अच्छे से ग्रो हो गए हैं। इसको मैंने कल ही फर्टिलाइज़ किया है, देखिए फ्रेंड्स। और इधर फ्रेंड्स मैंने एक बोरी में रिंका लगा रखे हैं, कुछ गेंदा के प्लांट ग्रो कर रखे हैं। और देखिए ये रिंका हाइब्रिड है पिंक कलर का, इसकी शेप देखिए अलग है और इसकी शेप अलग है फ्रेंड्स, देखिए जो कि बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और इधर भी फ्रेंड्स मेरे ये सारे गेंदा के सीड डाले थे, जो बहुत अच्छे से प्लांट बन गए हैं। ये है मैक्सिकन पिटोनिया, और फ्रेंड्स इसमें काफ़ी मैंने सील्डिंग की हुई है, देखते हैं कौन कौन से प्लांट आते हैं इसमें। तो फ्रेंड्स हम भूल भी जाते हैं कहाँ कहाँ सीड डाले हैं, तो देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरह से इसका व्यू आता है। और फ्रेंड्स इधर तो आपने देखा ही है, ये मेरा ऑरेंज का प्लांट है, और कुछ इस तरह से ये सेटअप बनाया है फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप। अलमंडा पे तो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है, देखिए कितने खूबसूरत खूबसूरत इसके फूल आते हैं फ्रेंड्स। और ये भर के फ्लावरिंग, जब से फ्लावरिंग पे आया है फ्रेंड्स, इस पर एक दिन के लिए भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई फूल ना हो, इस पर हर रोज़ 3-4, 2-3 हर रोज़ फ्लावरिंग आती रहती है फ्रेंड्स, देखिए। और ये है फ्रेंड्स मैंने डबल बैकबोन की कटिंग लगाई थी, जो देखिए कितनी खूबसूरत हो गई है। और पीछे एक हाइबिस्कस का प्लांट भी रखा है फ्रेंड्स, ये छुपा के रखा है क्योंकि ये गिलहरियाँ मेरी खा जाती हैं इसको, इनको बहुत पसंद आता है ये वाला प्लांट।
और फ्रेंड्स कुछ इस तरह से है, देखिए अजवाइन का प्लांट है, इधर रेन लिली का प्लांट है, कुछ इस तरह से इसका व्यू आता है फ्रेंड्स। और ये प्लांट्स तो आपने सपने देखे ही हैं फ्रेंड्स, देखिए। और फ्रेंड्स देखिए ये गलाडिया में भी कितने खूबसूरत फ्लावरिंग आ रही है फ्रेंड्स, देखिए बहुत ही सुंदर फूल आ रहे हैं फ्रेंड्स, देखिए जो देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं फ्रेंड्स, देखिए। और इधर गेंदा है फ्रेंड्स, बस इस पर फ्लावरिंग का इंतज़ार है, काफ़ी बुशी हो गए हैं। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस साइड पे मेरे पर्सलिन, तो ये जो रेड वाला पर्सलिन है फ्रेंड्स, रेड और हल्का पिंकिश भी है, तो देखिए कितना खूबसूरत, अभी तो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है। तो देखते हैं फ्रेंड्स अभी जब तक चलता है, लेकिन मैं इसको निकालूंगी नहीं फ्रेंड्स, इसका पॉट जो है मैं इसके पॉट संभाल के रख लूँगी नेक्स्ट सीज़न के लिए। और बाकी इसको हल्का पानी दें विंटर में, विंटर का तो अभी नामो निशान भी नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि घर में इतनी ज़्यादा है, देखिए मैक्सिकन पिटोनिया है। और ये है फ्रेंड्स मेरा ललटाना का प्लांट, जो कि बहुत अच्छे से खूबसूरती से फ्लावरिंग कर रहा है, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स। इसी में मैंने ये कोलियस लगा कर रखा है, पर्पल हार्ट लगाया है, और इधर लेमन का प्लांट है। तो फ्रेंड्स इस तरह से कुछ इसका व्यू आता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही, मैंने आपको अपने टेरेस के दूसरे पार्ट टू में ओवरव्यू दिया है। तो प्लीज़ अगर मेरे आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक देना ना भूलें, और जो मेरे चैनल पर नए भाई बहन हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी दबाना ना भूलें, ताकि मेरी कोई भी नोटिफिकेशन हो आप सबको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स चलती हूँ मैं, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सबको जय मसीह की। ओके फ्रेंड्स बाय।